देपालपुर नगर में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए अनुविभागीय अधिकारी ने नगर में सभी प्रकार के व्यापारियों की मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में सभी व्यापारियों ने अपना अपना मत रखा है तथा प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार व्यापार करने की सहमति प्रदान करी। वहीं तहसीलदार बजरंग बहादुर ने नगर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए व्यापारियों को जन जागरण तथा अधिक से अधिक सैंपलिंग कराने पर जोर दिया है। व्यापारियों ने अपने ग्राहकों से शासन की गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की है। वहीं आज के हालात में देपालपुर नगर में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 32 हो चुकी है। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। ये बात लाई गई थी कि कुछ व्यापारियों के द्वारा सैंपल देने में आनाकानी की जा रही है, तो उस संबंध में हमने आज सभी व्यापारियों के सभी वर्गों को यहाँ आमंत्रित किया था, उनसे चर्चा की है कि जो सैंपल लिए जा रहे हैं तो उसमें हम सभी को सैंपल देना है। और चूंकि पब्लिक इंटरेक्शन हमारा सतत रूप से होता रहता है, किसी भी व्यापारी के दुकान में प्रतिदिन काफ़ी संख्या में लोग आते रहते हैं, तो ऐसे में संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सैंपल ले लेते हैं तो उससे एक निश्चिंतता रहती है कि आदमी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, ये पता चल जाता है। और इस बात को लेके एक सब में ये हो जाता है कि जागरूकता की स्थिति हर जगह बनी हुई है, ये हम मान के चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।